पूछना चाहती हूँ, पहले अध्याय में आपने क्या सीखा? हाँ, हमने सीखा किस तरह ईश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी, जीव जंतुओं, सभी प्रकार के पशु पक्षियों, पेड़ों और सबसे बड़ी बात मनुष्य की रचना की, कैसे अपने प्रतिरूप में। वेरी गुड। और दूसरे अध्याय में हमने क्या सीखा? मनुष्य ईश्वर के साथ साथ किस तरह वो ईश्वर के साथ अदन वाटिका में रहता था, और वो हमने अदन वाटिका देखे थे, वो कितनी सुंदर थी, उसमें की हर एक चीज ईश्वर ने किसके लिए बनाया था? आदम और हेवा के लिए। वे हर दिन ईश्वर के साथ रहते थे, और मैंने आपको कहा था आप भी किसके साथ रहते हैं? ईश्वर के साथ। कैसे? आपके माता पिता, आपके साथ आजू बाजू रहने वाले, आपके दादा दादी, टीचर्स, ये सब कौन है? ईश्वर के प्रतिरूप है, तो आप ईश्वर के साथ रहते। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, वो होमवर्क क्या था? कि आपको अच्छे बच्चे के समान आपके माता पिता के साथ रहना है। क्या आप रहे? क्या आपने कोशिश किया? तो ईश्वर को धन्यवाद। फिर से आपको कोशिश करना है और एक अच्छे बच्चे बनाए। आज हम अपना तीसरा अध्याय चालू करेंगे, और इसे चालू करने के पहले फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी, आप अपनी आंखों को बंद करो, हाथ जोड़ो, आपके सभी टीचर्स को, आपके मित्रों को, आपके पैरिश के पैरिश प्रिस्ट को, सिस्टर्स को, सभी को याद करो अपने मन में, और संसार के लिए प्रार्थना करो जो अभी कोरोना से पीड़ित है, और अपनी मन की आंखों से सबों के लिए प्रार्थना करके उन्हें कहो जय श्री। वेरी गुड। जय श्री बच्चों। तो आज हमारा तीसरा अध्याय है मानव ईश्वर से दूर हुआ। मानव ईश्वर से दूर हुआ, जब हम यह बात सुनते हैं तो आपके मन में क्या आएगा? कि कुछ चीज बहुत पास थी, मतलब जैसे दोस्त, हमारे मम्मी पापा, हम सब साथ में हैं, अलग नहीं कर सकते, फिर भी कुछ कारण से दूर होना, और वो एक अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है। तो आज हम देखेंगे कि मानव के साथ क्या हुआ और वो क्यों ईश्वर से दूर हो गया। हम जानते हैं कि अदन वाटिका बहुत सुंदर थी, और वो किसके लिए थी? आदम और हेवा के लिए थी। उसमें सब प्रकार की सुविधा थी, वहां के फल फूल जो कुछ भी थे वो किसके लिए थे? आदम और हेवा के लिए। वहां पे जो जानवर थे, झरने थे, वो किसके लिए थे? आदम हेवा के लिए थे, और वे हमेशा ईश्वर के साथ रहते थे। फिर उनके जीवन में क्या हुआ? ईश्वर ने उनको कहा अदन वाटिका के हर एक चीज किसके लिए है? तुम्हारे लिए, लेकिन वहां पर एक झाड़ है। क्या आपको याद है मैंने आपको दो पेड़ों के बारे में बताया था? कौन कौन से पेड़ है वो? भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष। ईश्वर ने उन्हें कहा था कि भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष को मत हाथ लगाना, उसे मत खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि अगर वह उसे खाए तो वे मर जाएंगे। वो ईश्वर की क्या थी? आज्ञा थी। क्या थी ईश्वर की? आज्ञा की वे उसे हाथ ना लगाए, वे उसे ना खाए। क्या आपको कभी ऐसा घटना घटी है कि जब आपको मम्मी पापा ने कहा है ये मत करो और आपने उसे किया है, या फिर टीचर्स ने कहा है बच्चों ऐसा काम नहीं करना, क्लास में चिल्लाना नहीं, होमवर्क करना, फिर भी आपने वो सब काम किया है? आपके जीवन में जरूर ऐसी घटना घटी होगी। तो वैसे ही इनके जीवन में भी घटा। उन्होंने जब देखा पेड़ अच्छा है, वो उसके पास से गए, उन्होंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो ईश्वर को क्या करते थे? प्यार करते थे, वो ईश्वर की आज्ञा मानते थे। लेकिन वहां एक दोस्त आया, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कौन सा दोस्त? दो सींग और एक पूंछ वाला दोस्त, शैतान। वो उनके पास आया, उसने हेवा को क्या कहा? हेवा, इस वृक्ष का फल खाओ, बहुत अच्छा है, फल दिखने में भी सुंदर है। हेवा ने क्या किया? कहा नहीं नहीं, हमको ईश्वर ने वो फल खाने के लिए मना किया है, यदि हम उसे खाए तो हम
मर जाएंगे। तो शैतान ने क्या किया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि ईश्वर है आदम हेवा को प्यार कर रहा है। उसको क्या चाहिए था बोलो, ईश्वर शैतान ने उनसे क्या कहा, यदि तुम इसे खाओगे तो मरोगे नहीं, इसे खाने से तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगे। वो उन्हें क्या कर रहा था, प्रलोभन दे रहा था। अभी प्रलोभन बोला तो अभी हमें जो चीज करने की इच्छा नहीं है उसको बार बार करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा कि इसे खाओ या फिर ये करो। आपके भी कोई दोस्त ऐसे होंगे कि आप बोलेंगे नहीं नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, नहीं ना कुछ नहीं होता करो करो। तो शैतान उनके पास आया, और ऐसा भी नहीं कि वो उनको अपने सींग और पूंछ जैसे रूप में आ रहे हैं, वो कैसा है, एक सांप के रूप में आया। उसने उनको कहा नहीं नहीं खाओ कितना अच्छा है। फिर क्या हुआ, सच में हेवा ने देखा कि वो फल बहुत सुंदर है और उसको देखने से खाने का मन करता है। उसने क्या किया, उसे तोड़ा खाया। फिर क्या हुआ, उसको वो बहुत अच्छा लगा, खाने में वो मीठा था, दिखने में भी अच्छा था। फिर वो अकेले चुप रहेंगे क्या, नहीं, उसके साथ और कौन है, आदम। उसने ले जाके वो फल आदम को भी दिया, उन दोनों ने ये फल खाया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईश्वर के प्रेम को भूल गए, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्हें ईश्वर के प्रेम को तिरस्कार किया। अभी ये सब करने के बाद उनको क्या होगा, खुशी। यदि आप बिना होमवर्क करे स्कूल में गए, आपको कैसा लगेगा, बहुत अच्छा, या फिर मम्मी ने बोला है बेटा ये सब कुछ अच्छे से रखना, फिर भी आपने उसे खराब किया, आपको कैसा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं आपको क्या लगेगा, दुख। और उससे भी बड़ी बात, आपको क्या लगेगा, डर लगेगा कि मैंने ऐसा काम किया है, अभी आपके मन में वो डर रहेगा। तो उसी प्रकार आदम और हेवा को कैसा लगने लगा, डर। अब डर लगने से हम क्या करते हैं, वो चीज से बचने की कोशिश करते हैं। वो लोग ने भी बचने की कोशिश की, वो लोग दौड़ के कहाँ गए, एक पेड़ के पीछे छिप गए ताकि ईश्वर उन्हें ना देखे। क्यों, क्योंकि ईश्वर हर दिन उनके साथ आता था, उनसे बातें करता था, अदर वाटिका में उनके साथ घूमता था। तो जब ईश्वर उनके पास आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदम हेवा को नहीं देखा, तो उनको ताजुब लगा कि क्यों आदम और हेवा नहीं दिख रहे। उन्होंने आवाज दिया, आदम आदम हेवा हेवा तुम कहाँ हो, अब बताओ आदम और हेवा कहाँ है। हाँ, वे डर के मारे एक झाड़ के पीछे छिप गए हैं। जब हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज हमारे मन में आती है, वो है डर। हम माता पिता से डरेंगे, टीचर से डरेंगे, बड़ों से डरेंगे यदि हमने उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। तो यही आदम और हेवा के साथ भी हुआ, आपके भी जीवन में ऐसा ही होता है। और आपको कैसा लगेगा जब आपने गलती की है, आपने आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, किसी को चोट पहुंचाया है, किसी की चीज चुराई है या किसी चीजों को तोड़ा है, ये सब करने से अपने को क्या लगेगा, डर लगेगा कि हमने कुछ बुरा किया है। तो उसी प्रकार उनके साथ हुआ। तो बच्चों, आज हमको इस कहानी से एक सबक मिलता है कि यदि हमें किसी चीज को कहा गया है ना करें तो हमें नहीं करना है। यदि आपने बहुत बार ऐसी गलती की है तो आज आपको उस चीजों के लिए ईश्वर को माफी मांगनी है, क्षमा मांगनी है, और याद रखना है कि अगले बार हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो मैंने आपको पहले एक होमवर्क दिया था कि आपको अच्छे बच्चे बन के रहना है, उसी के साथ ही दूसरा होमवर्क है कि जब हमें कुछ अच्छी बात बताई गई और कहा गया ये नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम उन्हें ना करें। भले आपके दोस्त आपको उसके लिए प्रलोभित करे या फिर आपका मन करे, हम कुछ अच्छी चीज को देखते तो क्या मन करता है, उसको जाके हाथ लगाए, उसको खोल के देखे, और ये सब करने में हम उसे खराब करेंगे, तोड़ेंगे, या फिर वो किसी और की चीज होंगी। तो आज आपको ये एक बात रखनी है कि हमें आज्ञाकारी बनना है। क्या बनना है, आज्ञाकारी, माता पिता की आज्ञा मानना है, सबके साथ अच्छे से रहना है। तो आप किसकी बात मानोगे, ईश्वर की, किसकी बात मानोगे, ईश्वर की, पुरोहितों की, टीचर्स की, माता पिताओं की, क्योंकि वे हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो बच्चों, आज का ये क्लास समाप्त हुआ, आपको मन में ये रखना है। तो
मैंने जिस तरह आपको हमेशा दिखाया है उसी प्रकार हम इस क्लास को समाप्त करने के पहले क्या करेंगे, पवित्र क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। हम अपने हाथों को जोड़े, आंखें बंद करें, क्लास में जो कुछ भी सीखा है उसे एक और एक बार अपने मन में लाएं, पहले क्लास में, दूसरे क्लास में और विशेषकर ये तीसरे अध्याय में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने मन में याद करें। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें आज्ञाकारी बना क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। और ईश्वर की आज्ञाएं किसके रूप में आती है, पुरोहितों के रूप में, टीचर्स के रूप में, सिस्टर्स के रूप में, माता पिता के रूप में। तो ठीक है, अभी हम क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। सबको याद है कैसे, पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा हर शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय श्री, धन्यवाद। आज्ञाओं को ईश्वर की पहले मानव ने तोड़ा, उपस्थिति में ईश्वर की पापी बन वे जीने लगे। ईश्वर के पग आवाज को अदन बाग में सुनते ही आदम हेवा डरते हैं, जल्दी से वे छिपे हैं। आज्ञाओं को ईश्वर की पहले मानव ने तोड़ा, उपस्थिति में ईश्वर की पापी बन वे जीने लगी।